welcome to my youtube channel study with me p.k in this video we're gonna sharing with you english 11th class lesson number 1 button button so first of all i would like to say about this story Uh, कि ये जो इंग्लिश है फ़र्स्ट ईयर की इसमें जो हमारे पास पहली कहानी है इलेवंथ क्लास की जो स्टोरी है हमारे पास वो है बटन बटन फ़र्स्ट पे जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं मींस के एलेवंथ क्लास के उनको मोस्टली ये पता होगा कि जो आ, ये स्टोरीज़ हैं ये आ, बुक वन में हैं तो चलिए आज हम इस बुक वन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के मन्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें तो आज जो है स्टूडेंट हम रीड करने वाले हैं हमारी फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है बुक वन की बुक जो है इंग्लिश की वो वन जो है एलेवेंथ क्लास उसकी जो बुक वन है उसका लेसन नंबर वन मीन्स के बटन बटन जो है आज हम लोग वो रीड करेंगे इन और आज देखेंगे कि जो हमारे पास ये कहानी है इस कहानी का जो है वो मेन रोल क्या है इसमें क्या क्या बयान हुआ है और ये किसके बारे में है तो आ, स्टार्ट करते हैं इस कहानी में जो है मेन कैरेक्टर जो है मैं आपको बताती चलूं कि वो तीन लोग हैं और तीन लोग जो हैं फ़र्स्ट पे ये कहानी जो है हमें एक सबक देती है क्योंकि लालच जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ही बुरी बला होती है और आ, जो जाहिर है दूसरों के लिए आ, जो गड़ा खोदा जाता है इंसान अक्सर उसी में गिर जाता है और ख़ास कर वो लोग इस कहानी में जो मेन चीज़ है वो ये भी बताई जा रही है कि लालच जो है वो बुरी बला है लालच करने से एक इंसान जो है वो अपनों को भी खो देता है और बज़ दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और पैसा रुपया जो होता है वो हर चीज़ नहीं होती ज़िंदगी में सुकून और साथ ही साथ अगर आपके पास हंसता बस्ता घर है और आप तीन टाइम की रोटी खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत की बात है तो स्टूडेंट इसमें जो है इस कहानी में ये जो बटन बटन है ये रिचर्ड मैथिसन ने लिखी है ये जो है आ, इसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें तीन मेन कैरेक्टर हैं एक तो है एक लड़की जिसका नाम है नरमा इस मीन्स के लेसन में ये जो स्टोरी है जिसकी मेन कैरेक्टर जो है इसमें वो है नरमा और उसके साथ है उसका हस्बैंड जिसका नाम है आर्थर और उसके साथ है एक जो है वो मैनेजर एक कंपनी का और जो कंपनी का मैनेजर है उसका नाम है आर्थर सॉरी उसका नाम जो है वो है स्टीवेट अब यहाँ पर तीन करेक्टर हैं एक नॉर्मा एक आर्थर आर्थर जो है ये नॉर्मा का हस्बैंड है और स्टीवर्ड जो है वो कंपनी का मैनेजर है ये बात क्लियर होगी अब चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है वो ये बुक्स नहीं होंगी इसलिए मैंने उनकी आसानी के लिए जो है ये मींस के जो हमारे पास हमारा खुलासा होता है मैंने उसी से स्टार्ट लिया है इस बुक का तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिसमानरिम दि पैकेज वाज लेंग बाई दी फ्रंट डोर आ कीबड शेप्ड अच्छा जी अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी लेसन को चाहे वो कोई भी लेसन है चाहे वो कोई भी सबक है अगर आप उसको याद करना चाहते हैं और आपको जल्दी से सबक है जो वो याद नहीं हो रहा तो आपकी आसानी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप हर एक लफ्स के जो भी आपको इसमें मीन्स के आपके लिए जो डिफ़िकल्ट है और आप क्या करें कि उसको मीन्स के मुश्किल अल्फाज के मानी जैसे मैं आपको अरबिक में कहती होती हूँ कि मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो आप नोट करें तो आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी इसमें भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एक, एक लफ्स को अगर जैसे देख, देखा देखा जाए तो यहाँ पर बाज़ आपको सामने लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं जैसे पैकेज का मतलब होता है वाज लेइंग लेंग जो होता है इसका मतलब है पड़ा हुआ था मींस के पड़ा था बाय द फ्रंट कहते हैं सामने और डोर जो होता है उसका तो पहले ही आपको पता है कि दरवाजा उसको कहते हैं अच्छा जी इसका यहाँ पर आपको साथ दिखा दू पैकेज वाज लेइंग बाय फ्रंट डोर परिंदा या बंडल या पार्सल पैकेज जो होता है अक्सर इंग्लिश में हम जो है वो इंग्लिश बोलने वाले पैकेज कहते हैं उर्दू जो भी स्पीकिंग करते हैं जैसे हम सब करते हैं तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमारा पार्सल आया है या फिर बंडल आया है बंडल अक्सर लोग जो गांव में होते हैं वो बंडल भी बोलते हैं और परिंदा भी बोलते हैं अच्छा जी सदर दरवाज़े के करीब पड़ा था अब आप अगर इसको शार्टली प्रोनाउंस करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो डब्बा था एक जो पार्सल था वो सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था मीन्स के सामने बाहर वाला दरवाज़ा जैसे होता है क्यूब शेप्ड क्यूब शेप जो होता है मकब शकल मीन्स के मुरबा शक्ल का जो डब्बा मुरबा जैसे होता है ना उसको जो होता है वो मक्कब कहते हैं कार्टून जो होता है वो डब्बा कहते हैं जैसे सील्ड सील्ड जो चीज सील्ड कहते हैं जो चीज़ बंद हो जिसको हमने जैसे किसी चीज़ को हमने बंद किया हुआ चाहे हम रस्सी से बंद करें चाहे हम टेप से बंद करें जैसे स्काश टेप से ये डब्बा जो है वो स्काश टेप से यहाँ पर उन्होंने बंद किया हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है आक्यूब शेप्ड कार्टून सील्ड विद टेप अच्छा टेप फीते से फीते जो होते हैं वो अक्सर लोग बोलते हैं फीता टेप को टेप से जो था ये एक मक्ब शक्ल का डब्बा था ये बंद था अच्छा जी यहाँ पर अभी आ, आगे जो है यहाँ पर हमारे पास ये है कि देयर नेम एंड एड्रेस एड एड्रेस जो होता है वो होता है पता और एक एड्रेस होता, होता, होता है वो होता है हमारा मीन्स के एक एड्रेस होता है दूसरा और एक होता है ये जो पता होता है हमारा इसको एड्रेस बोलते हैं एड्रेस नहीं बोलते अच्छा जी प्रिंटेड प्रिंटेड कहते हैं कि तहरीर करदा या तहरीर किया था By हैंड हाथ के साथ मींस उसने उस डब्बे के ऊपर जो था वो उसका नाम था और उसका पता लिखा हुआ था उसने हाथ के साथ लिखा हुआ था और ये देखें इनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लीविस ये इनका क्या था नाम था और पता जो था वो था टू सेवेंटीन ई थर्टी सेवेंथ स्ट्रीट न्यूयॉर्क वन जीरो जीरो वन सिक्स अच्छा अब ये क्या था ये इनका पता था मिस्टर और मिसेस आर्थर लीविस दो सौ सतारा ई गली नंबर सैतीस न्यूयॉर्क एक सौ सोलह नॉर्मा इट अप नॉर्मा ने उसे उठाया पिक्ट कहते हैं उठाना उठाया अनलॉक्ड और खोला दी डोर अनलॉकड कहते हैं कि द, जो नॉरम जो थी अब मैं इसमें फिर आपको ये पैरा समझा दूं कि नॉर्मा जो थी वो बाहर गई हुई थी जब नॉर्मा वहाँ वहाँ पर आई है तो उसने अपने दरवाजे के सामने एक क्यूब एक क्यूब शेप जो है मरकब शकब का एक डब्बा जो था वो उसने वहाँ देखा और वो डब्बा जो था वो उसने उठाया अपने फ्रंट वाले दरवाज़े के सामने से और फिर उसने क्या किया कियाड दी डोर उसने दरवाजे का ताला खोला एंड वेंट इन टू दी अपार्टमेंट और अपने अपार्टमेंट में चली गई आई इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क गेटिंग मीन्स के छाने ही वाला था डार्क अंधेरा अपार्टमेंट कहते हैं मीन्स uh, के अगर आपका घर है तो आप उसको बाज दफा जो कंपनीज uh, की तरफ से घर बना कर दिए जाते हैं उनको अपार्टमेंट भी कहते हैं जो uh, घर बना कर दिए जाते हैं कंपनीज की तरफ से इट वॉज गेटिंग डार्क इसमें वो ये कह रहा है कि अभी अंधेरा छाने ही वाला था अच्छा जी अब इसने आ, क्या किया जब नॉर्मा देखें ऊपर ये वर्ड्स भी लिखे हुए हैं जो मीनिंग्स होते हैं चॉप्स चॉप्स कहते हैं चौपें कतले या टुकड़े मींस किसी चीज के टुकड़े करना या किसी चीज़ को काटना बॉटम नीचे निचला हिस्सा अच्छा जी आफ्टर दी पुट दी लैम चॉप्स इन दी ब्रॉयलर गोश्त भुनने की आहनी जाली ये जो ब्रॉयलर ब्रा, होती है वो ऐसी एक अक्सर लोगों को पता है गर्ल्स को तो अक्सर पता है जिस चीज़ पर हम किसी चीज़ को मींस के ऐसी कोई हमारे पास जैसे की वगैरह होती है या ऐसी छलनी होती है जिसमें हम बॉईल करते हैं किसी चीज़ को या फिर उन टुकड़ों को जैसे हम अक्सर ब्रोस्ट जैसे मिलता है इस तरह से फ्राई किया हुआ उस तरीके से जो होती है उसको क्या कहते हैं ब्राइलर कहते हैं अच्छा जी शी सेट डाउन उसने क्या किया शी सेट डाउन टू ओपन पैकेज फ़र्स्ट उसने क्या किया उसने बकरे की बकरे की जो गोश्त के टुकड़े थे गोश्त भूनने की आहनी जाली पर रखने के बाद मींस के उसने जो गोश्त के टुकड़े थे वो उसने मींस के बॉयल करने के लिए उस मींस के भूनने के लिए उस जाली पर रख दिए और शी सेट डाउन सेट डाउन मींस के वो बैठ गई टू ओपन खोलने के लिए दी पैकेज वो डब्बा इन साइड अंदर डब्बे के अंदर वाज पुश बटन यूनिट पुश बटन यूनिट मींस के उस डब्बे के अंदर बटन दबाने आ, दबाने वाला एक यूनिट मींस के आला था एक यूनिट कहते हैं आले को एक आला था फास्टेंड जो जुड़ा हुआ था टू आ स्मॉल वुडन बॉक्स एक छोटे से मीन्स uh, के लकड़ी के uh, uh, जो कहते हैं ना छोटे से संदूकचे से लकड़ी के बॉक्स से अग्लास डोम ए, ए, महराबी कोसी शक्ल की कोई चीज़ उसने यहाँ पर क्या लिखा उसने बोला कि बटन को एक कोसी मीन्स शीशे ने डांप रखा था एक कोसी शक्ल का महराबी शक्ल का जो शीशा था उसने उस बटन को डांप रखा हुआ था कवर्ड दी बटन उसने उस बटन को डांप रखा था किसने डांप रखा था एक जो था बटन को एक कोसी मेहराबी शीशे ने डांप रखा था नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ नॉर्मा ने उसको ऊपर उठाने की कोशिश की बट लेकिन इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस वो अपनी जगह पर मीन्स के जुड़ा हुआ था वो अपनी जगह से जुड़ा हुआ था शी टर्न दूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू दॉटम ऑफ दी बॉक्स अच्छा जी यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने डब्बे को उल्टा किया जब नॉर्मल ने उसको उठाने की कोशिश की तो वो क्या था हमने पिछले मींस uh, के पहरे में क्या पढ़ा कि वो जो था वो अपनी जगह से जुड़ा हुआ था और uh, वो जो था वो क्या था वो अपनी जगह से जुड़ा हुआ था और उसके बाद उसने क्या किया कि वो जो अपनी जगह से जुड़ा हुआ था मीन्स uh, के डब्बा उसको उसने उठाने की कोशिश की मींस के उसने डब्बे को उल्टा कर दिया उसने डब्बा को उल्टा किया और उसके कागज़ का एक तयशुदा वर्क दिखा दिखाई दिया अच्छा जी शी पुल्ड इट ऑफ संदूकचे के नीचे शफाफ टेप से चिपकाया गया था वो क्या था कि जो जो उसने जब उसको उल्टा किया उस कार्टन को तो उसे क्या मिला उसे एक मिला मीन्स के एक वर्का मिला एक वर्क एक कागज़ मिला जो मीन्स के नीचे जो था संदूक उसके नीचे जो था वो शफाफ टेप से चिपकाया गया था उसने उसे खींच कर उतार दिया शी पुल्ड इट ऑफ पुल्ड कहते हैं खींच कर उतारना पुल्ड इट ऑफ़ उसने उसे खींच कर उतार दिया मिस्टर स्टेविड विल कॉल ऑन यू एट एट पी एम इस पर लिखा हुआ ये था इस पर दर्ज था कि मिस्टर स्टेविड शाम आठ बजे आपसे मिलने आएंगे अब यहां पर देखें आगे आ, काउच कहते हैं सोफे को अच्छा जी हाल वे कहते हैं राहदारी को अब आगे हमारे पास ये है कि नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड बिसाइड कहते हैं करीब या पास हर ऑन काउच सोफा काउच मैंने आपको बता दिया पहले कि नॉर्मा ने बटन वाला यूनिट अपने करीब सोफे पर रख दिया शीर री रीड दोट स्माइलिंग टाइप नोट स्माइलिंग उसने क्या किया उसने मुस्कुराते हुए उसने टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा उसने फिर से वही टाइप किया हुआ नोट पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीविड जो हैं वो आपसे शाम को आठ बजे मिलने आएंगे आ फ्यू मोमेंट्स लेटर चांद लम्हे बाद शी वेंट बैक वो द किचन वो दोबारा अपने किचन में गई बावरची खाना में गई टू मेक दिस सैलड और वो सलाद काटने लगी सैलड कहते हैं सलाद को द डोर बेल रेंग एट दी एट ओ क्लाक मीन्स के डोर बेल जो होती है वो दरवाजे के पास जो लगी होती है घंटी उसको बोलते हैं दी डोर बेल रेंग एट दी एट ओ क्लाक मीन्स आठ बजे दरवाजे की घंटी बज उठी आय गेट इट वो कह रही थी उसने मीन्स अपने हस्बैंड को बोला क्योंकि आर्थर जो है वो उसका हस्बैंड है वो भी उसी रूम में था तो उसने अपने हस्बैंड को बोला आय गेट इट मैं देखती हूँ आप रहने दें नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन नॉर्मा ने किचन से अपने हस्बैंड को कहा आय गेट इट मीन्स कि मैं देखती हूँ आर्थर वॉज इन दी लिविंग रूम आर्थर जो था वो अपने सोने वाले कमरे में था रीडिंग मीन्स मुताला करने में मसरूफ था देर वॉज़ अ स्मॉल मैन इन दाल वे एक छोटा कद का आदमी जो था वो उसने क्या देखा उसने जब दरवाज़ा खोला देर वॉज़ अ स्मॉल मैन इन दी हॉलवे उसने हाल वे मैंने पहले भी बताया कि रादारी को बोलते हैं प्लीज़ मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि जो जो स्टूडेंट अभी रीड कर रहे हैं जिनको मैं अभी बता रही हूँ साथ ही साथ वो मुश्किल अल्फाज अगर अपने पास लिख लें तो उनके लिए आसानी होगी सबक को याद करने में अब यहाँ पर उसने जैसे ही दरवाजे को ओपन किया तो उसने क्या देखा उसने ये देखा कि दरवाज़ा स्मॉल मैन इन दी हालवे के, के, हाल के रादारी में एक छोटे कद का आदमी जो है वो खड़ा है ही रिमूवड हिज हैट उसने अपने सर से मीन्स कैप उतारी उसने टोपी उतारी एज नॉर्मा ओपन द डोर जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला रादारी में एक कोता कोतामत जो था वो शख्स मौजूद था जो ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने कैप उतारी ही इंक्वायर्ड पोलाइटली उसने शाइतगी से पूछा अब यहाँ पर आगे फिर से उसने शाइतगी से पूछा मिसिज लिविस जब नॉर्मल ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा मिसिज लिविस क्या आप मिसिज लिविस हैं ही इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड कहते हैं पूछना पोलाइटली शाइतगी से रिप्रेस नीचे जो कुछ है रिप्रेस कहते हैं दबाना काबू पाना और ऑफ उफ, ऑफेंसिव कहते हैं जारहाना कराहत मॉनेटरीली मालियाती तौर पर चैलेंज दावत तस्दीक देना दा, दावत देना या तस्दीक देना जब उसने उससे पूछा कि मिसेस लीविस के आप मिसेस लिविस हैं तो नॉर्मा ने आगे से उसे क्या जवाब दिया नॉर्मा ने उसे जवाब दिया येस जी हाँ मैम यस आई एम उसने बोला नॉर्मा ने बोला जी हाँ यस मैं मिसेस लिविस हूँ तो आगे से स्टीवर्ट ने बोला आई एम मिस्टर स्टीविट मैं मिस्टर स्टीविट हूँ ओह यस नॉर्मा रिप्रेस्ड नॉर्मा ने क्या कहा नॉर्मा ने कहा आ, वो जो मुझे याद है नॉर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा शी स्माइल नॉर्मा उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मुझे याद है शी वॉज़ श्योर नाउ इट वॉज़ अ सेल्स पिच उसे ये जो सेल्स uh, कहते हैं सेल्स मैन जैसे हमारी तरफ कोई कपड़े बेचने वाला होता है जैसे कुछ uh, जैसे सेंडल्स वगैरह की शॉप्स होती हैं इस तरह से ये कंपनीज होती हैं जैसे कोई कंपनी होगी जैसे वो शूज़ अगर बना सेल्स uh, करती है तो वो आपके पास आकर मीनस कि घर पर आपको बताएगी हमारी इस प्रोडक्ट में इतनी सारी uh, जो है वो uh, अच्छाइयाँ हैं आप ये ले, ले लें ये ये इस यही सोचा नॉर्मल ने यही सोचा कि ये अगर आया है तो यकीन ये सेल्स होगा मे आई कम इन मे आई कम इन किसने बोला कि मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं आस्क्ड उसने बोला आस्क्ड कहते हैं पूछना मिस्टर स्टीविड, मिस्टर स्टेविड ने पूछा आई एम रदर बिजी रादर कहते हैं मीन्स के थोड़ा सा मसरूफ़ होना बिज़ी कहते हैं मसरूफ़ होने को मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ नॉर्मा सेट नॉर्मा ने कहा डोंट यू आगे से मिस्टर मिस्टर स्टीविड ने उसने पूछा मिस्टर uh, स्टीविड ने नॉर्मा को बोला कि डोंट यू वॉन्ट टू नो वट इट इज़ क्या तुम इसके बारे में नहीं जानना चाहती कि ये क्या है नॉर्मा टर्न बैक Norma पीछे मुड़ी मिस्टर स्टीविड टोन हैड बीन ऑफेंसिव मिस्टर टोन कहते हैं लहजे को हैड बीन ऑफेंसिव जारहाना अच्छा यहाँ पर नॉर्मा मुड़ी मिस्टर स्टेविड का लहजा जारहाना था अच्छा नॉर्मा ने यहाँ क्या कहा नो no, नहीं आई डोंट थिंक सो मैं ये नहीं आ, मुझे जरूर मैं ये इस चीज़ की जरूरत महसूस नहीं करती शी रिप्लाइड रिप्लाइड कहते हैं जवाब देना उसने उसे जवाब दिया इट कॉल्ड प्रूव वेरी वैल्यूएबल मीन्स के ये बहुत ग्रां कदर चीज़ साबित हो सकती है ही टोल्ड हर मिस्टर स्टीविड ने नॉर्मा को ये बात बोली कि अगर तुम इसके बारे में जानती हो मीन्स जानना चाहती हो मुझसे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही मीन्स uh, के uh, वैल्यूएबल uh, uh, कहते हैं किसी चीज़ की वैल्यू मींस की कोई चीज़ बहुत खास होती है तो उसने उसे बोला कि तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूएबल मींस ग्रॉ कदर साबित हो सकती है मोनीटेरिली मालियाती तौर पर शी चैलेंज उसने उस चीज़ की तस्दीक कर दी कि ये तुम्हें पैसों के अतबार से जो है वो बहुत ज़्यादा मीन्स uh, के मालियाती तौर पर जो है ये uh, क्या है ग्रा कदर है मीन्स के इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मिस्टर स्टीवड नोडिट मिस्टर स्टीविड ने जो है सर नोडिट सर हिलाया मोनिटरली ही सेट मिस्टर स्टीविट ने इस में सर हिलाया जी हां मालियाती तौर पर उसने कहा नॉर्मा फ्राउंट थ्योरी चढ़ाई मुंह बनाया नॉर्मा ने क्या किया नॉर्मा ने मुंह बनाया शी डिडेंट लाइक हिज एटीट्यूड नॉर्मा को मिस्टर स्टीविट का जो रवैया था वो क्या हुआ वो पसंद नहीं हुआ वट वाज़ यू ट्राइंग टू सेल उसने पूछा उसे कि इसके आप क्या चीज़ जो है वो बेचना चाहते हैं शी आस्क मीन्स नॉर्मा ने उससे पूछा आई एम नॉट सेलिंग एनी थिंग मिस्टर स्टीविड ने क्या बोला कि मैं कुछ भी जो है वो बेचना नहीं चाहता ही अनसर्ड उसने जवाब दिया अब यहाँ पर आगे हमारे पास ये है कि आर्थर कम आउट आर्थर जो है वो बाहर आया ऑफ द लिविंग रूम अपने सोने वाले कमरे से जिसमें वो मुताे कर रहा था समथिंग रॉन्ग उसने कहा कि क्या कोई कोई मसला है मिस्टर स्टीविड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ मिस्टर स्टीविड ने इंट्रोड्यूस कहते हैं तारुफ़ करवाने को हमसेल्फ़ अपने बारे में मिस्टर स्टीविड ने क्या किया, किया कि उसने अपने बारे में अपना तारुफ जो है वो आर्थर को करवाया आर्थर जो है मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो बंदा है जो नॉर्मा का हस्बैंड है और ये लिविंग रूम में कब से बुक पढ़ रहा था और इसने बुक का मुताला करते हुए जब इसने देखा कि इसकी वाइफ जो है वो दरवाजे पर किसी से बात कर रही है तो वो बाहर आया और इस बारे में पूछने लगा कि क्या कोई मसला है समथिंग वेंट रॉन्ग मींस समथिंग रॉन्ग क्या कोई मसला है तो मिस्टर स्टिव ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ उसने अपने बारे में बताया आ दर्थर पॉइंट टू वर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड ओ तो आर्थर ने दीवान खाने ने खाने की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। वट इज़ द गैजेट एनी वे आखिर ये कल आ, ये कुल पुरजा मशीन क्या है मीन्स उसने ये बोला कि ये जो मशीन है या ये आ, एक जो बटन है ये क्या है इट वांट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन उसने क्या बोला ये जो मिस्टर स्टीविड था उसने बोला कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एक्सप्लेन मींस वजाहत देने में replied, मिस्टर रिप्लाई ने जवाब दिया मिस्टर स्टीविट, मिस्टर स्टीविट ने कहा मैं आई कम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इफ यू आर सेलिंग समथिंग उसने ये बोला कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो आर्थर सैड आर्थर ने कहा क्या तुम कुछ बेच रहे हो uh, मिस्टर शु, uh, हैं हिलाना हिस हेट मीन्स अपना सर उसने बोला आई एम नॉट नहीं मैं नहीं बेच रखा रहा आर्थर लॉक्ड एट नॉर्मा आर्थर लुकड एट नॉर्मा आर्थर ने क्या किया नॉर्मा की तरफ देखा अप टू यू आपकी मर्जी शी सेट नॉर्मा ने कहा जी तो स्टूडेंट यहाँ पर जो था हमारे पास आज के जो हमारे थे वो थ्री पेजेस थे आप आज जो है हम यहीं तक क्या करते हैं आज जो है हम यहीं तक अभी जो करते हैं वो फिनिश करते हैं इस लेसन को और इन इससे आगे अभी हम अपने पास जो है वो रख लेंगे और इन अगली वीडियो में आप आपके साथ में इनशाला इससे आगे जो है वो मैं रीड करके आपको इनशाला दिखाऊँगी और मुझे उम्मीद है कि जो हमने आज रीड किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से ही समझाया और इन आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा क्योंकि मैंने इसीलिए ये वीडियो जो है आप सब लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लासेस से मीन्स आपके लिए रीड की ताकि जिन लोगों के पास बुक्स नहीं हैं वो आसानी के साथ इससे रीड कर सकें तो चलिए जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुंच सके तो इनशाला मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर टू बटन बटन लेसन के इनशाला तो इनशाला मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज